प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ कुछ वाक्य लिखे गए हैं, आप इन वाक्यों को एक बार पढ़ेंगे। यह सुमित है। सुमित राजू का सबसे अच्छा मित्र है। सुमित के पिताजी डॉक्टर हैं। सुमित की माताजी और राजू की माताजी एक ही विद्यालय में अध्यापिका हैं। दोनों अच्छी सहेलियां हैं। सुमित का परिवार अक्सर राजू के घर में आता है। राजू भी सुमित के घर जाता है। यहाँ दो दोस्तों की बात हुई है, सुमित और राजू। अब हम इन्हीं वाक्यों को दोबारा पढ़ेंगे। यह सुमित है। सुमित मेरा सबसे अच्छा मित्र है। उसके पिताजी डॉक्टर हैं। उसकी माताजी और मेरी माताजी एक विद्यालय में अध्यापिका हैं। वे दोनों अच्छी सहेलियां हैं। उनका परिवार अक्सर हमारे घर पर आता है और हम भी उनके घर जाते हैं। दोनों ही जो अभी आपने ये वाक्य पढ़े और ये पढ़े, दोनों में आपने बहुत अंतर देखा होगा। जहाँ जहाँ नाम आए वहाँ वहाँ पर अलग शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो बच्चों, आपने देखा सुमित और राजू के नाम जहाँ जहाँ थे वहाँ वहाँ पर कुछ अलग शब्दों का प्रयोग किया गया। सुमित और राजू आपने पढ़ा है नाम वाले शब्द हैं जिन्हें संज्ञा कहते हैं, और यहाँ संज्ञा शब्दों के स्थान पर कुछ दूसरे शब्दों का प्रयोग किया गया है। उन शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे सुमित राजू का सबसे अच्छा मित्र है, लेकिन यहाँ लिखा है सुमित मेरा सबसे अच्छा मित्र है। राजू की जगह मेरा लिखा है। इस जगह में जो मेरा लिखा है वो मेरा सर्वनाम है। सुमित के पिताजी डॉक्टर है, लेकिन इसमें लिखा है उसके पिताजी डॉक्टर है, क्योंकि सुमित का जिक्र पहले कर दिया गया है तो यहाँ पता चल जाएगा किसकी बात हो रही है। बार बार सुमित और राजू का नाम प्रयोग करने से पढ़ने में निरस्ता आ रही है ना, निरस लग रहा है, इसलिए उसको क्या किया गया है, कुछ शब्दों से रिप्लेस किया गया है, जिससे कि क्या हो सके, भाषा को और सुंदर तरीके से बनाया जा सके, वाक्य सुंदर दिखे। देखिए, रोहन अखिल और इंदु पार्क में हैं। वे फुटबॉल खेल रहे हैं। इन वाक्यों में रोहन अखिल और इंदु के नाम की जगह क्या लिखा गया है, वे शब्द का प्रयोग किया गया है। संज्ञा की जगह आए वे शब्द सर्वनाम है। संज्ञा की जगह वे शब्द आया और जो कि क्या हो गया, सर्वनाम है, क्योंकि ये तीनों क्या है, संज्ञा है। किसी के नाम है तो संज्ञा है, और इनकी जगह क्या प्रयोग किया गया, वे। तो बच्चों, आपने क्या सीखा, आपने सीखा जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, आप, हम, तू, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या आदि। किसने कहा, कोई आया है ना, तो जो ये कोई है, किसने है, ये शब्द सर्वनाम है। कुछ सर्वनाम शब्द आप यहाँ पे देख सकते हैं, कुछ, तुम्हें, यह, उन्होंने, उसने, मैंने, हमारा, वे, उसे, ये, वह, तुम, मैं। कुछ सर्वनाम शब्द यहाँ भी दिए गए हैं,
मैं हम मैंने हमने मेरा मेरी तुम्हारा तुम्हारी मुझे तुमको तुमसे मुझसे तू तुम तूने तुमने मेरे हमारा तुम्हारे इसका हमको तुमको हमसे आपसे ये सब सर्वनाम शब्द हैं। यहाँ एक छोटी सी एक्सरसाइज एक अभ्यास दिया गया है, आप करेंगे हिंदी कॉपी में। धन्यवाद।